तवांग सिंह फिर हाजिर हूँ बिग बॉस का रिव्यू लेके। कल बिग बॉस जो स्टार्ट होगा, अब वही जो अपना जसमीन जी थोड़ा डिस्कस करी मित्र के साथ कि भाई जो टास्क के अंदर जान का हार्ट अटैक आया था कबड़ के उसके कमबोर्ड के अंदर, तो थोड़ा सा जिसे वर्गर था ये था वो था, तो इसी डिस्कस भी चल रहा था बातें। इतने में बिग बॉस ने कहा भाई ये देश देख जब से स्टार्ट हुआ है बिग बॉस तो सबसे सारी चेंजेस आती रही हैं। पहले सीनियर्स घर के अंदर आए थे, फिर कुछ दिन बाद सीनियर्स भी घर से बाहर चले गए, तो चेंजेस आती जा रही हैं। फिर रेड जोन बना दिया गया था, अब आज आपको बताया जाता है कि रेड जोन को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है, अब सारे सदस्य ग्रीन जोन में ही रहेंगे। बट ये मत समझो कि नॉमिनेशन वगैरह नहीं होगी, तो नॉमिनेशन वगैरह सब ऐसी होंगी हाँ, पर रेड जोन आज खत्म कर दिया गया है। अब वही जो ये हाथ में डालने वाली जो उसके अंदर पॉट के अंदर जो अपना टास्क था, यहाँ पे बैठे अपना निक्की तंबोली और अपना जान और पवित्र पुण्य फिर डिसीजन कर रहे थे। तो यहाँ पे जो जान को ये लगा कि किसने बताया भी निक्की ये आइडिया था, पर यहाँ पे निक्की बोला आइडिया मेरा नहीं था, कहा मैं पूछती हूँ। तो वहां पे सीधा ले वो अपना इजाज़ साहब, इजाज़ साहब थोड़ी सी बहस हुई, इजाज़ साहब कहता भी ठीक है वो था कि आइडिया लेंगे, पर इजाज़ साहब ने बाद में और बोला कि तू उसके ऊपर जो अपना ढक्कन उसको चाट के था, तो ये था निक्की दी, ये आइडिया मेरा नहीं था, हमारा सब आइडिया इतना ही था कि भी इसको पोर्ट पे ले जाएंगे वहां पे हार्ट डलवाना है, बट ये नहीं था, ये इजाज़ साहब का आइडिया था। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत इस टास्क को लेके भी बहस देखने को मिली कि भाई ये आइडिया किसका था, निक्की का था कि इजाज़ खान का था। उसके बाद अली गोली जो फटे भाई बिग बॉस मुझे बाहर निकालो, वो शीशे तोड़ने शुरू कर दिए, तुम मैं ये काम करेंगे नहीं आया यहाँ पे, उसने गाली गलौज भी डाली बिग बॉस ने कहा भाई अपना माइक पहनो, कह रहा नहीं जाता जो पहले नहीं करता जा कर ले जो करना कर ले। तो बहुत बदतमीजी जैसे कहते हैं कि अली गोली कल बिग बॉस में फट रहा था कि भी मुझे, और उसने जोर जोर से शीशे तोड़ने शुरू कर दिए, मुझे बाहर निकालो ये करो वो करो, मैं ये करने नहीं आया वो नहीं करने आया, और ये भी बोलता हुआ मिला कि भैया मेरा टेस्ट हो गया ये आ गया वो गया, तो सब समझे समझा रहे हैं भाई टेस्ट होता है उसकी रिपोर्ट 24 घंटे बाद आती है, ये हुआ है, कह रहा हो गए 24 घंटे ये वो मुझे ये यहाँ पर रखा है, इससे मुझे बाहर निकाल दो घर के यहाँ से, ये सब ड्रामे कर रहा है बिग बॉस ये कर रहा है वो कर रहा है। तो भाई इस वीक में सलमान खान अली गोनी भी अच्छी खासी क्लास लेगा। बिग बॉस, अब बिग बॉस ने सबको इकट्ठा कर लिया, बिग बॉस ने कहा भी ऐसा कि मैं जो भी हर एक चीज जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं ये सरकार द्वारा बनाए गए हैं भाई, जो तुम्हें हर एक सदस्य को जैसे तुम आए थे तुम भी पूरे क्वारंटीन के अंदर रह के आए थे, तो भी वो भी क्वारंटीन के अंदर ही है, तो इसके बिना वो भी नहीं आ सकता, ये कोई बिग बॉस से अपने बनाए रूल नहीं है, ये सरकार के बनाए रूल है कि भाई सर शहरिक शो के ये रूल फॉलो करने हैं। तो यहाँ पे अली गोली सुबह इतना ज्यादा भड़क पड़ा, हमें सोच रहा कि अली गोली की एंट्री होगी तो बहुत खुश वाला माहौल होगा, अफसोस ये ऐसा नहीं हो सका, अली गोली ने ऐसा नहीं होने दिया। और आज कभी भी बिग बॉस ने ऐसा नहीं हुआ कि बिग बॉस के घर के अंदर कोई भी घड़ी नहीं है, पर आज बिग बॉस तुम्हें खुद टाइम बताते हैं, बिग बॉस ने पूरे टाइम टू टाइम बताना शुरू कर दिया भाई ये शो जो संडे का इतने बजे था कि जो सुबह मॉर्निंग हुआ वो लेट हुई 10:30 बजे हुई, तो अली गोली का 11:30 बजे हुआ, इस टाइम ये टाइम हुआ है ये टाइम हुआ है, अभी अली गोली ने 3 घंटे पहले ही शुरू कर दिया बोलना, टेस्ट की रिपोर्ट नहीं अभी आई थी, बट अब बिग बॉस बता रहा है कि टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है, तो अली गोली की रिपोर्ट नेगेटिव है। तो अली गोली तुम अब तुम वहां से अपने रूम से भी अपना सामान लेके मेन घर के अंदर आ सकते हो, और अली गोली फिर थोड़ी देर बाद अपना सामान लेके आ गया, बिग बॉस सॉरी मैं ज्यादा बोल गया गलती हो गई मेरे से ये वो, तो अली गोली भी घर के अंदर आ गया। बिग बॉस, अब बिग बॉस बताया भी जैसे वो होती है बिग बॉस की अदालत हर बजे होती है, फराह खान आती है भी क्वेश्चन वगैरह सबके पूछती है बोलती है, तो आज भी अदालत चलेगी, तो फराह खान घर के आएंगे, गार्डन के अंदर कोई शीशे वाला रूम बना दिया गया, कोई जो से बाहर प्लेयर्स जो भी आ रहे हैं गेस्ट आ रहे हैं वो अंदर डायरेक्ट घर के अंदर नहीं आते हैं क्योंकि कोरोना काल के चक्कर में, और सारे गार्डन ने बाहर बढ़ा दिए। अब बारी बारी सबको बुलाना था, तो सर सबसे पहली बारी आई वो आई इजाज़ खान की, इजाज़ खान में कोई सारे भाई तू इस्लाम क्या है ये सारे भैया सब बोलते हैं तू बड़ा कड़ू है ये है वो है, तो इजाज़ खान भी सबके इल्जाम लगाकर क्लियर कर रहा था भी ऐसा नहीं था वो था ये था वो था, यहाँ से पवित्र पुण्य ने बोला भी मैं टास्क में ऐसा नहीं था कि ये था वो था, तो यहाँ पे सबको भी दिखा जा रहा था कि जैसे संडे की वीकेंड वार के अंदर भी सलमान भाई पूरी इजाज़ खान की साइड ले रहे थे कि भाई जो बाकी प्लेयर्स को डांट रहे थे भी तुमने इजाज़ खान को सीनियर है मतलब इस टाइप को लेके चल रहे थे, यहाँ पे कल फराह खान का भी यही रोल था, फराह खान भी इजाज़ खान की पूरी साइड ले रही थी और ये बोल रही थी, पर एंड में फराह खान ने कहा भाई तुम्हारे दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है भाई तुम बहुत बढ़िया अच्छे लगते हो भाई ठीक है तुम आपस में दोस्त दोबारा बन जाओ, लोग बड़े ध्यान से तुम्हें देख रहे थे, तो एंड में पवित्र पुण्य और इजाज़ खान का हक करवा दिया गया। अब उसके बाद बारी आई रुबीना की, रुबीना को भी थोड़ा सा हर घर समझा दिया अभी तुम हस्बैंड वाइफ भी हस्बैंड वाइफ कोने में लेके चल रहे हो और अपना अपने अलग से घर घर खेल रहे हो, और तुम्हें बिग बॉस से इतनी प्रॉब्लम किया है कि बिग बॉस से हर एक क्वेश्चन उठाने हैं, बिग बॉस से सारे क्वेश्चन पूछने हैं, बिग बॉस से रूल्स क्यों पड़े जाते हो, वो कह रही नहीं शुरू में मैं बिग बॉस देख के नहीं आए थे तो भी मुझे हमें लगा था तो फिर समझ आ गई है भाई कैसे खेलना है क्या करना है, तो हम अपने घर से खेल रहे, तो रुबीना से भी थोड़ा सा पूछा इस अली गोली को भी बुला बुला के हल्का सा क्वेश्चन वोश्चन पूछ लिए, जितना टाइम दिया गया अपना
इजाज खान को उतना टाइम किसी को भी नहीं दिया गया, ना अली गोनी को और ना ही रुबीना को। अब बारी आई पवित्र पुनिया की। पवित्र पुनिया पे सेम वही, भाई तुम अपना तुम्हारा एक दोस्त है, तुम अपने दोस्त से ही लड़ते रहते हो, दोस्त के अगेंस्ट जाते रहते हो हमेशा। वो कह रही है नहीं मैं जो भी ट्रस्ट आओगे नहीं, तो जसलीन मुझे जेलसी तो जरूरी होगी। जब उसको नॉमिनेशन से बचाया जसलीन को, कहती नहीं जेलसी तो नहीं हुई, कहती नहीं जेलसी तो हुई है। तो कह रही नहीं जेलसी नहीं थी वो, मतलब ठीक था कि एक मतलब मुझे वो थी, कह रही एक्सपेक्टेशन रखो ही मत किसी से। भाई क्या है तुम अपना खेलने आए हो, खेलो आराम से खेलो, और तुम अपना ये लगाते हो। कह रही नहीं मैंने तो पूरी कोशिश की थी भाई, पर उसने जो रीजन दिया वो कभी गलत लगा कि भाई ठीक है मैं, तूने कह रही तूने भी तो पूरा जताया उसको कि भाई मैंने तेरे साथ ये किया वो किया, और तुम लड़ते हुए ऐसे एकदम फेस टू फेस आ गए। उसने ये भी बोल दिया कि तुम जहाँ प्यार होता है लड़ाई वहीं पर ही होती है। तो थोड़ा बहुत पवित्र पुण्य भी उसी टास्क के ऊपर डिस्कशन करके वो भी चलेगी। बारी आई जैस्मिन की। जैस्मिन के ऊपर भी वही सारा कि भाई तू इजाज खान को भाई बहुत ज़्यादा वैसे बोलती है ये, क्योंकि मैंने इजाज खान का हमेशा पास गई हूँ, हमेशा उसको मैंने बोला कि नहीं तुम अपना एक अलग से चल रहे हो, ये है वो है। तो जैस्मिन पर भी मतलब पूरा देखा जाए तो इजाज खान चल रहा था, और उसी की साइड ली जा रही थी, बाकी को सबको कटहरे में खड़ा किया जा रहा था, और वही बोला जा रहा था भी इजाज खान सही है तुम भैया गलत हो। इजाज खान से फिर एंड में जैस्मिन को भी बोल दिया ठीक है तू भी एक बार हक कर ले, तुम दोनों भी अच्छे खेलते हो। जैस्मिन को बोला तो बढ़िया खेल रही है बट तू ये मत कर। तो जैस्मिन ने भी इजाज खान को गले लगाया, हक करा और अच्छी तरह जैसे सॉरी बोली। इजाज खान था अब दिल सॉरी बोली है, अब मुझे सॉरी समझ में आई है। और लास्ट में बारी आएगी निक्की दम्बोली की। निक्की दम्बोली का वही भाई थोड़ा बहुत समझाया भी, तू पहले जब आई थी तो बहुत चुलबुली थी, बहुत बढ़िया ढंग से खेल रही थी, उसमें जो एलिगेशन लगाए गए, अब तू पता नहीं लगता कहाँ घूम गई है, बस तू तो इधर से उधर यही चलती रहती है, चैंपे 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 करती रहती है, कोई स्टैंड नहीं लेती ढंग से। बट वही जो तेरा पहला रूप था वो लोग बहुत पसंद कर रहे थे, तो भाई तू वैसे ही रहे और उस तरह ही काम कर उसको, खेल उसको गेम को। दोस्तों ये तो था कल का एपिसोड, आज का जो एपिसोड आएगा आज यही टास्क जो बीवी अदालत की अदालत है आगे चलेगा, और ये टास्क के अंदर जान की बारी आएगी, राहुल वेदे की बारी, मेरी सबको बुलाया जाएगा, वही जान को बोल दिया जाएगा भाई तू तो एक तो हद से ज्यादा तो वो हो चुका है कि भाई अपनी दोस्ती तो साइड पे तू आप बचने के लिए तो इतना डर लगता है, इनसिक्योर लगता है अपने आप को, तू डरने के लिए किसी को भी कुएं में फेंकने को तैयार है भाई, तू ये इतना हाल हो चुका है। तो जान पे भी एलिगेशन लगा दिया जाएगा। और बिग बॉस ने ये भी बताया था भाई इस बार जो जो आज ये बीबी की अदालत चलेगी इसके अंदर एंड में जो जजेस है उनको एक पावर होगी कि भाई किसी को भी वो डायरेक्ट नॉमिनेशन में डाल देंगे। तो आज उसको एक किसी भी एक प्लेयर में से जिसकी उनकी लगे वो जवाब ढंग से नहीं दे पाया वो उसको नॉमिनेशन में डाल सकते हैं। दूसरा वही नॉमिनेशन टास्क दोबारा कराया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। अब नॉमिनेशन अंदर क्या है कि भाई जैसे वो पहले हाथ रहे हेडफोन लगाते थे, बिग बॉस एक टास्क देता था भाई तुमने अपने किसी बंदे को उसको कन्विंस करना है कि भाई ये भी चीज़ वो करे, अगर वो नहीं करेगा तो तुम नॉमिनेशन में चल लोगे, अगर वो कर देता है तो वो नॉमिनेशन सीट पे आगे बैठ जाएगा तो वो नॉमिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पे सारे जैसे थे रिश्ते रहेंगे। अब जैसे यहाँ पे अपना अभिनव को दे दिया गया टास्क कि भाई तू अपना अलीगोनी से बोल के अलीगोनी जो जैस्मिन की फेवरेट डॉल है उसको भी डिस्ट्रॉय करे। अब अलीगोनी यहाँ पे बहुत इमोशनल हो जाता है तो देख। और दूसरी साइड जो रुबीना को टास्क दिया जाता है कि भाई तू अपना जैस्मिन को बोल कि अलीगोनी को डायरेक्ट नॉमिनेशन में डाल दे कि बोले भी मैंने अलीगोनी को नॉमिनेशन में डालता हूँ। वो कह रही है वो मेरे पीछे तो यहाँ पे आया है, मेरे को सपोर्ट करने आया, मैं उसको नॉमिनेशन में कैसे डाल सकती हूँ। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा एपिसोड कि भाई कौन किसको नॉमिनेशन में डालता है और कौन उसके ऊपर टास्क को कंप्लीट करता है। वही दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसी समय बिग बॉस को लेके, तब तक सत श्रीकाल। कोविड हुआ दोस्तों, अपना ध्यान रखना, हैंड वॉश करते रहना, घर से बाहर जब भी निकलना मास्क लगा के ही निकलना।